आगरा के एदमातपुर में सहायक विकास अधिकारी कृषि श्याम सिंह सिसोदिया का एदमातपुर ब्लॉक परिसर से विधायी समारोह हुआ है। क्षेत्र पंचायत कार्यालय एदमातपुर पर सहायक विकास अधिकारी कृषि श्याम सिंह सिसोदिया का विधायी समारोह कार्यक्रम रखा गया। सभी विकास खंड के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सहायक विकास अधिकारी का भव्य स्वागत किया और शुभ विदाई भी दी। एदमातपुर ब्लॉक प्रमुख इति सिंह पति प्रतिनिधि डॉक्टर अवधेश सिंह उर्फ रामू भैया ने की विदाई के दौरान आंखें नम हो गयी। सहायक विकास अधिकारी कृषि एदमातपुर श्याम सिंह सिसोदिया की विदाई समारोह में पहुंचे खंदौली ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा। श्याम सिंह सिसोदिया ने कहा कि मेरी सर्विस के दौरान जो समय मैंने दिया है बहुत अच्छा समय बीता है। मैं अपने सभी साथियों के साथ मिलजुल कर मैंने काम किया है। आज विदाई समारोह के दौरान सभी लोगों को से मिलकर बहुत अच्छा लगा है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग हमेशा संपर्क में रहेंगे। आज ब्लॉक एदमापुर में सहायक पंचायत अधिकारी कृषि सोलंकी जी श्याम सिसोदिया जी उनका सेवानिवृत्त हुए हैं आज, जिसके उपलक्ष में पूरे सभी स्टाफ ने मिल करके विदाई समारोह रखा, जिसमें सब ने अपने अपने राय दी और सब ने अपनी अपनी उनके बारे में विचार व्यक्त किए। जो मैंने देखा कि 6 महीने से जब से आए हैं वीडियो साहब, 6 महीने के अंदर जो जनता और ब्लॉक का समस्त स्टाफ व हमसे जो नज़दीकियाँ बढ़ी, वो कम समय में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि आज बहुत से लोग तो रोए भी उनकी विदाई समारोह में, जिसमें कष्ट हुआ सबको। मगर ये तो एक समय ऐसा होता है कि सबको सेवानिवृत्त होना पड़ता है, जिससे कि वह आने वाले समय में अपनी जो अभी तक ज़िंदगी नहीं जी पाए थे, वो अब अपना मिलजुल के मियाँ बीवी दोनों मिलकर के अपनी ज़िंदगी जिए, बच्चों पर ध्यान दें। और उसके बारे में मैं रेडियो साहब की सराहना करता हूँ कि वो जो जिस तरीके से उन्होंने काम किया है ब्लॉक पे, वो हमें सदैव याद रहेगा और कभी हम उसको भूलेंगे नहीं। मैंने देखा आप जैसे कि कार्यक्रम के दौरान आपकी ये जो साथ के साथ लेकर के आपकी यहाँ का अनुभव क्या था आपका? देखिए, एक तरफ तो परिवार के लिए खुशी का माहौल, मगर हमारा जो ब्लॉक है वो भी एक परिवार है। उसमें जब से हमने अपना कार्यकाल संभाला है, सबसे पहली बार हमने कोई विदाई समारोह रखा जिसमें हमें लगा कि किस परिवार में, ये ब्लॉक का एक परिवार है, उसमें किस तरीके 6 महीने में घुल मिल गए। जो आज उनकी विदाई समारोह रखा गया तो आंखें नम इसीलिए हुई, हम चाहते थे और जब तक हमारा कार्यकाल रहे तो हमारे साथ रहें, जिससे कि हम अपने सुख दुख की हर बात उनसे कहते थे, वो हमसे कहते थे। तो इसीलिए थोड़ा सा लगा कि नर्वस हुए, मगर एक ये सिस्टम है, ये तो सबको एक दिन देखना पड़ता है। और मुझे खुशी है इस बात की कि चलो उन्होंने 35 साल विभाग को दिए, किसी विभाग को, और उन्होंने जो कार्य किए और बेदाग निकल करके उन्होंने सेवानिवृत्त हुए हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं, शुभकामनाएं करता हूं कि वो आगे चल करके अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर और बच्चों के फ्यूचर के बारे में ध्यान दें। और बाकी कोई भी कोई समस्या होती है तो हम दोनों एक ही क्षेत्र के हैं, तो सुख दुख में एक दूसरे के हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि हमारी एक तरीके से बड़े हैं मुझसे, मगर एक तरीके से मित्रता इतनी नज़दीक हो चुकी है, तो इसीलिए हमारी आंखें नम हुई थी। अच्छा लग रहा है और थोड़ा फील भी लग रहा है, अपने परिवार से अलग हो रहा हूँ। माननीय प्रमुख जी और ब्लॉक के समस्त स्टाफ ने इतना सम्मान दिया जिसको मैं कभी भुला नहीं पाऊँगा। हमेशा जो है इस सम्मान और प्यार को पोटली की तरह अपने साथ रखूँगा, हमेशा अपने दिल में रखूँगा, हमेशा याद रखूँगा, ये पर मैं कभी भुला नहीं पाऊँगा। यहाँ के बाद आज के बाद आपकी क्या कार्यशैली रहेगी, क्या विचार किया है? यहाँ के बाद मैं समाज सेवा करूँगा, आशाओं के मदद करूँगा और अपने जो है माननीय के साथ ही रहूँगा, कंधा से कंधा मिलाकर माननीय के साथ रहूँगा।